पवन सिंह की हीरोइन बबुआन वाली, आपको तो याद होगी प्रतिमा घोष आजकल जौनपुर में ही है पवन सिंह के साथ। उनकी फिल्म मेरा भारत महान में कुछ स्पेशल कर रही हैं, साथ ही साथ उनका और पवन सिंह का होली सॉन्ग भी आने को है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से दी। और वहीं पर उन्होंने पवन सिंह के नए गाने जो कि उनका होली सॉन्ग है लहंगा लस लस करा था पे जमकर डांस किया। जी हाँ, आपको हम उनका ये वीडियो दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पवन सिंह को अपना आदरणीय और यहाँ तक कि पवन सिंह को हमेशा वो ये कहती हैं कि आज उनके कैरियर में जो मुकाम है वो पवन सिंह की वजह से ही है, और इसके लिए उन्होंने उन्हें कोटि कोटि प्रणाम भी किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लहंगा लस लस करा था पर ऐड लगाया गया है, तो चलिए उस पर काफ़ी लोग विवाद अपना कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जिसके गानों पे ऐड नहीं लगता। सभी के गानों पर ऐड लगाया जाता है, और ऐड लगाना बुरी बात नहीं क्योंकि ये एक प्रमोशन का हिस्सा होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई पवन सिंह का सॉन्ग ऐड लगाकर इतना ऊपर गया है, तो हम ये कहेंगे अपनी तो जैसे तैसे खेसारी का सॉन्ग आया था उस पर भी ऐड लगाया गया था, फिर खेसारी के सॉन्ग पर ऐड लगाने के बावजूद वो बहुत बड़ा सॉन्ग नहीं बनकर उभरा था जितना पवन सिंह का सॉन्ग 10 मिलियन तो ऑलरेडी वो पहुंच चुका है और यूट्यूब में आज तक का पूरा दिन गिना जाएगा वनडे के लिए। तो वे ये जो व्यूज़ है वो और भी बढ़े सकता है, ये व्यू 13 से 15 मिलियन तक भी पहुंच जाए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है पवन सिंह के फैंस के लिए अगर वो चाहें तो। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लगातार इसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ऐड को जोड़ा जा रहा है, वो इसलिए भी जोड़ा जाएगा क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना कभी गलत नहीं होता, और अगर इसे हवा बनाया जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सुन लीजिए आप सभी लोग, बॉलीवुड के बड़े से बड़े, हॉलीवुड के बड़े से बड़े डायरेक्टर ऐड करते हैं तो क्यों उन चीज़ों को हवा नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को हम ये भी बता दें कि KGF के ट्रीज़र का भी प्रमोशन हुआ था और उसको ऐड को भी जोड़ा गया था, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को हवा न बनाया जाए। खैर, अगर चीज़ें होती हैं लेकिन चाहे वो खेसारी के फ़ैन हो चाहे वो पवन सिंह के फैंस हो, वो ये देखें कि ऐड करना किसी भी चीज़ की गलत बात नहीं होती है, वो भी व्यूज़ में ही जुड़ता है। ऐड से भैया आप कितना व्यूज़ जोड़ लोगे, बात को तूल देना एक बेवकूफ़ी होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।